Hi guys, this is Pirate of Kitchen Monica and welcome to my channel। आज हम जो बनाने वाले हैं वो बच्चों का फेवरेट तो है ही, लेकिन कुछ बड़े भी इस लॉकडाउन में उसे बहुत मिस कर रहे हैं। आज हम बनाने वाले हैं डोनट्स, लेकिन ये डोनट्स होंगे एगलेस, ईस्ट फ्री, नो फ्राइंग एंड इसमें हम होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा मैंगो ग्लेज और साथ ही चॉकलेट लवर्स के लिए चॉकलेट ग्लेज। वैसे आपको पता है कि डोनट्स को डोनट्स क्यों कहते हैं? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं डोनट्स। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पर। हाफ कप आटा, 3/4 कप मैदा, 1/3 कप पाउडर शुगर, आप घर में पाउडर बना सकते हैं, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 tablespoon विनेगर, 2 tablespoon मिल्क, 1 tablespoon कर्ड यानी कि दही, 1 tablespoon ऑयल एंड हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। मैंगो ग्लेज बनाने के लिए हाफ कप मैंगो चॉप्ड एंड 1.5 tablespoon शुगर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा लेंगे, इसमें डालेंगे मैदा और हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, पाउडर्ड शुगर, दही, इसके साथ विनेगर। ये एक्टिवेट करता है, बहुत अच्छा लिवनिंग एजेंट होता है। और इसे अच्छे से नीट कर लेंगे, यानी कि एक अच्छा सा डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो इसका बनेगा। ध्यान रखें आपका डो स्टिकी हो तो आप थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर सकते हैं। अब हम डालेंगे वनीला एसेंस और इसमें डालेंगे अब हम ऑयल। ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें, तब तक हम इसे नीट करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के इसे कवर करके 1 घंटे के लिए, मैक्सिमम 1 घंटा आप इसे रखें। तो ये ऐसा डो हो जाएगा 1 घंटे बाद। अब थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके हम इसे रोल करेंगे। एक मोटी चपाती बनानी है आपको। शेप का यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, करीब आधा इंच थिक होना चाहिए। अब ये कुकी कटर से मैं काट रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप घर में कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नोजल से, पाइपिंग नोजल से मैं कट कर रही हूँ सेंटर। डोनट का शेप ये देखिए। सो आप इसे ऐसे ही ऑयल में फ्राई कर लें। अगर आपको फ्राइड बनाने हैं, मीडियम ऑयल में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे बेक कर रही हूँ। सो मैं इसे प्लेस करूँगी एक बेकिंग ट्रे पर और 180 डिग्रीज पे 18 टू 20 मिनट्स के लिए इसे बेक कर दूँगी। तो बेकिंग के बाद ये ऐसे दिखेंगे कुछ। अब इन्हें वायर रैक पे कूल करने रख देंगे हम और जल्दी से अपना मैंगो ग्लेज तैयार करते हैं। मैंगो ग्लेज के लिए चॉप्ड मैंगोज को प्यूरे करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद एक पैन में इस मैंगो को हम कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम रखना है। तो थोड़ा थिक होना चालू होगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें शुगर और शुगर के साथ इसे कुक करेंगे। स्टिकी सा हमें पेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे 1/4 कप और इसे फिर से कुक करेंगे थोड़ा थिक हो जाने तक। आपको समझ आ जाएगा कि पानी एब्जॉर्ब हो गया है और ये थिक हो रहा है। तो अब इसे हम एक सीव यानी कि छन्नी की मदद से हम इसे छान लेंगे, ताकि जो आपका ग्लेज हो वो एकदम स्मूथ हो, उसमें कोई लम्स ना आए। और इसे अच्छे से हम इसे छान लेंगे। हमें एक बढ़िया सा स्मूथ सा यहाँ पे ग्लेज मिल जाएगा। परफेक्ट। चॉकलेट ग्लेज बनाने के लिए चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क, वाइट, मिल्क। उसमें ऑयल डालेंगे 1 tablespoon एंड टाडा, इट्स रेडी। तो अब बारी है क्रिएटिविटी की। सो हमारे डोनट्स ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे ग्लेज में डिप करेंगे। Look at that. Aren't they beautiful? So आप जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आप इसमें दिखाइए। मैं रोज पेटल्स और कुछ चॉप्ड मैंगो से मैंगो डोनट्स को डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये थोड़े से चॉकलेट वर्मिसेली एंड टाडा! So our chocolate and mango glazed donuts are ready. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्दी, इंटरेस्टिंग और रिफ्रेशिंग रेसिपीज आपको कहाँ मिलेंगी? पायरेट ऑफ किचन पर। अभी के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय डोनट्स। वैसे मेरा फेवरेट चॉकलेट है लेकिन आज मैं मैंगो खा रही हूँ।